इसराइल ने आखिरी बार 2006 में लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह पर हमला किया था और इस हमले के बाद हिजबुल्लाह अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो हिजबुल्लाह को अपना बदला चुकता करने का एक ऐसा मौका मिल गया जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था और अब हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इसराइल पर हमले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण युद्ध की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दोनों के बीच युद्ध हुआ तो कौन ज्यादा ताकतवर निकलेगा। इसका जवाब जानने के लिए आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखनी होगी जिसमें हम आपको हिजबुल्लाह तब क्या था और हिजबुल्लाह अब क्या है ये सब कुछ बताएंगे। दरअसल हिजबुल्लाह के पास हजारों गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन्स का एक बड़ा जखीरा है जो उसे ईरान से मिला है। हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद से ही हिजबुल्लाह खुद अपने हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हिजबुल्लाह के पास 1,30,000 से 1.5 लाख के बीच रॉकेट्स और मिसाइलें हैं जो हमास से करीब 4 गुना ज्यादा हैं। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक हैं जो हमास की फोर्स से 2 गुने हैं। हिजबुल्लाह के पास जो हथियार हैं अधिकतर लोअर ग्रेड अनगाइडेड गोला बारूद जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ा खतरा है और हिजबुल्लाह के पास हथियारों का एक ऐसा जखीरा है जो उसने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया है। ये बात हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह खुद कह चुके हैं कि उन्होंने अभी तक इजराइल के खिलाफ असली हथियार तो इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। और वहीं इजराइल के हमलों की वजह से हिजबुल्लाह को $1.5 अरब का नुकसान हुआ है। इसके अलावा आईडीएफ के हमलों में करीब 1700 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। वहीं आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह के हमलों में हजारों घर तबाह हुए हैं और 40,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन जलकर खाक हो गई है और हिजबुल्लाह ने अलग अलग तरह की शॉर्ट रेंज मिसाइलें और रॉकेट से पहले तो आईडीएफ के टैंकों पर हमला किया और उसके बाद आईडीएफ के टेक्निकल उपकरणों को तबाह करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ने इन हमलों में मुख्य रूप से इन हथियारों का इस्तेमाल किया है। गुरकन रॉकेट्स जिसकी रेंज 9 किलोमीटर है, अलमास रॉकेट जिसकी रेंज करीब 16 किलोमीटर है, वहीं कत्यूशा रॉकेट जिसकी रेंज 25 किलोमीटर तक जाती है, फतेह मिसाइल 110 जिसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है, वहीं फलक रॉकेट की रेंज 11 किलोमीटर तक है, सैयद मिसाइल की रेंज 99 किलोमीटर है, वहीं राड रॉकेट की रेंज 37 से 43 किलोमीटर तक है। वहीं अब बात करते हैं हिजबुल्लाह की ड्रोन ताकत की। तो हिजबुल्लाह के पास अबाबिल ड्रोन है जिसकी रेंज करीब 119 किलोमीटर तक है। DJI फैंटम 4 ड्रोन है जो 30 मिनट तक हवा में उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। साथ ही अबाबिल रेट्रोफाइड ड्रोन है जिससे हिजबुल्लाह ने S5 रॉकेट्स फायर किए थे। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर ईरान में बनी 358 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं जो इजरायली ड्रोन्स को मार गिराने का मादा रखती हैं। साथ ही सैयद टू सी राडार गाइडेड मिसाइल भी हिजबुल्लाह के जखीरे में है जो 90,000 फीट तक पहुंच सकती है। इसी मिसाइल से कई बार हिजबुल्लाह ने इजरायली जेट्स को खदेड़ने का काम किया है और इन हथियारों को देखकर लगता है कि इजराइल के लिए हिजबुल्लाह को हरा पाना इतना आसान नहीं होगा और अगर दोनों के बीच युद्ध होता है तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि इजराइल का पलड़ा भारी पड़ेगा।